चलो जल्दी मुझे बताओ, इन ब्रीडिंग में कितना जनरेशन तक कॉमन होगा? कमेंट में जल्दी बताओ, इन ब्रीडिंग में कितना जनरेशन तक कॉमन होगा पेरेंट? जल्दी, ओके 4 से 6 जनरेशन, वेरी गुड अनामिका, ओके। और उससे आगे हम लोग देखेंगे तो उसके बाद कौन सा आता है, आउट ब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग? इन ब्रीडिंग के बाद कौन सा आता है, आउट ब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग? जल्दी मुझे बताओ, इन ब्रीडिंग के बाद आउट ब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग? ओके वेरी गुड, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में क्या होता है ये बताओ मुझे, आउट ब्रीडिंग में ब्रीड सेम होता है या डिफरेंट होता है? ओके वेरी गुड। और कितना जनरेशन तक कॉमन नहीं होना चाहिए, जल्दी बताओ अंशु? 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन नहीं होना चाहिए, वेरी गुड बेटा, ओके। और क्रॉस ब्रीडिंग में सेम ब्रीड होना चाहिए, अलग अलग ब्रीड होना चाहिए? क्रॉस ब्रीडिंग में सेम ब्रीड या अलग अलग ब्रीड, जल्दी बोलो। वेरी गुड, सेम ब्रीड। लेकिन नहीं अंशु, सेम ब्रीड, हाँ सेम ब्रीड कैसे होगा, गलत बता रहे हो, वेरी गुड, डिफरेंट ब्रीड होगा। क्रॉस ब्रीड में क्या होता है, डिफरेंट ब्रीड होता है और उसमें कॉमन भी कुछ नहीं होते हैं। हाँ वेरी गुड, तुम लोग याद करके नहीं आते हो, बहुत पिटाओगे तुम लोग, मुझे याद नहीं रहता है, तुम लोग भी याद नहीं करते हो। इसमें क्या है, हम लोग बोल देखो, इसमें है सेम ब्रीड, ध्यान दो, इसमें भी सेम ब्रीड है, इसमें भी सेम ब्रीड है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन, एक मिनट, कॉमन है। इसमें जो है वो 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन नहीं है, जबकि इसमें देखेंगे तो इसमें ब्रीड ही डिफरेंट हो गया, तो कॉमन होने की बात ही नहीं, इसमें डिफरेंट ब्रीड हो गया ना। चलो क्रॉस ब्रीड के बाद अगर स्पीसीज अलग अलग हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, जल्दी मुझे बताओ। जल्दी मुझे बताओ, अलग अलग मतलब कि ये हो जाए स्पीसीज, तो उसको क्या बोलेंगे, अगर ब्रीडिंग करवाए और स्पीसीज अलग अलग हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, जल्दी मुझे बताओ। ओके वेरी गुड सबरीन, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना, उसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं वहीं पे बैठ जाऊंगा चुपचाप, आंसर तुम लोगों को देना है, ठीक है ना। ओके वेरी गुड बेटा, तो अगर हमारा क्या हो कि दो अलग अलग ब्रीड हो तो उसको हम लोग नाम देने वाले हैं यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से डिस्कस करते हैं ना। अगर दो अलग अलग स्पीसीज हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। कोई एग्जाम्पल बताओगे क्या, जल्दी बताओ तो, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल। वेरी गुड बेटा, दीक्षा म्यूल, ओके गुड। कोई और एग्जाम्पल बताएगा क्या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का इसके अलावा? हिन्नी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, ओके। म्यूल और हिन्नी बेसिकली हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, वैसे टाइगॉन और लाइगर भी है लेकिन वो हम लोग को डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे बोर्ड में, तो बिल्कुल नहीं करना बेटा। एक एग्जाम्पल हमने पिछले क्लास में छोड़ दिया था, थोड़ा लिख लेना इस चीज को, गलती से छूटा था वो, ठीक है ना। क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या? इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ क्रॉस ब्रीडिंग का, तुम लोग नोट कर लेना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। नहीं गलत है अंशु, देखो एक होता है बीकानेरी ईव, अपने एनसीईआरटी का है बीकानेरी ईव, अरे ये इसकी प्रजाति है, क्या बोलते हैं उसको, भेड़ की प्रजाति है। और एक होता है मैरिनो रैम, वेरी गुड मैरिनो रैम, ये दोनों क्या है, दोनों का दोनों हमारा जो है भेड़ का प्रजाति, हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ पे डेवलप किया है, तो ये जो दोनों हमारा है ना बीकानेरी ईव और मैरिनो रैम, उसको क्रॉस करवा करके एक नया भेड़ बनाया गया है, उसका नाम है हिसारडेल, वेरी गुड बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं हिसारडेल, ठीक है ना। तो ये जो हिसारडेल है ये बनाया गया है क्या, ये एक सीप है, ठीक है ना, सीप का मतलब क्या, भेड़ है ये, ठीक है ना। कहाँ डेवलप किया गया है, किस स्टेट में बता दो, किस स्टेट में इसको डेवलप किया गया बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। इसको डेवलप किया गया है पंजाब में, वेरी गुड दीक्षा, ठीक है ना, इसको बनाया गया है पंजाब में, डेवलप्ड इन पंजाब, ठीक है ना। तो ये फेमस एग्जाम्पल है, इसको बेटा हम लोग कॉपी में लिख लेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग का एक एग्जाम्पल हमने पिछले क्लास में इसको छोड़ दिया था गलती से, उसको ऊपर नोट कर लेंगे, ठीक है ना।
तो यहां तक हम लोग इस चीज को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। इससे आगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक के क्लासेस में? एनीबडी? अगर नहीं तो नो लिखो, मैं समझूंगा। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो चलो, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, ध्यान दो। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेरी गुड सभी, हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम, CONTROLLED, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम, वेरी गुड। ओके, ये कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम क्या है? तो देखो, अगर ह्यूमन कंट्रोल करके अपने तरीके से अगर ब्रीडिंग कराए इंसान, तो उस प्रोग्राम को हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम है, और क्या ना। तो इसको हम लोग कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम को बोल सकते हैं कि ये किसी ऑब्जर्वेशन सुपरविजन में किया जाता है, तो ह्यूमन के सुपरविजन में किया जाता है, ठीक है ना। डन अंडर बोल सकते हैं ह्यूमन सुपरविजन, इंसान करवाता है इसको, ध्यान दो, इसको इंसान करता है, ठीक है ना। ऐसे प्रोग्राम को इंसान के द्वारा कि उसके सुपरविजन में करवाया जाता है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, ध्यान देना। जैसे अगर हम लोग कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, तो इसमें सबसे फेमस एग्जांपल जो हम लोग अगर बात करेंगे, तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपको कोई गाय है वो बहुत ज्यादा दूध दे रही है, ठीक है ना, आपको वही गाय चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसका जो बुल है उसके बुल को लेंगे, उसका सांड जो होता है उसका लेंगे, उसका सीमेन निकालेंगे, और इस सीमेन को क्या करेंगे आप आर्टिफिशियली तरीके से निकाल करके किसी गाय में डाल देंगे, और वो बुल जो है वो अपनी मम्मी वाला कैरेक्टर लेकर के वहां पे बच्चा जो है ओपन करने वाला है। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल का मतलब क्या, मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, सीमेन डालना, सीमेन, ठीक है ना। मनुष्य के द्वारा क्या किया जाए, मनुष्य जो है अगर वो सीमेन को निकाल करके अपने तरीके से किसी गाय में या भैंस में अगर डालें, तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को क्या बोल सकते हैं, सीमेन को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको डाला जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें सीमेन को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, 1 मिनट, हाँ, कलेक्ट किया जाता है एंड ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना, इनटू, आप बोल सकते हैं कि जो कैटल्स होता है, कैटल्स यूट्रस, उसके यूट्रस में उसको डाला जाता है, उसका जो गर्भ ये होता है बच्चेदानी जिसको बोलते हैं उसमें उसको डाला जाता है, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारा जो हाइब्रिड है वो बनाने में हमको फायदा होगा, ठीक है ना। ये जो तरीका है, इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इम्प्रूव करते हैं ब्रीड को, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं कि हाइब्रिड हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा हाइब्रिड जो है बनाने में, उसको बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, हाइब्रिड फॉर्मेशन के लिए ये क्या होगा, बोल सकते हैं हेल्पफुल है, ठीक है ना, हेल्पफुल फॉर हाइब्रिड फॉर्मेशन, उसके लिए ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हमारा है ना, अगर उसके अलावा हम लोग बात करेंगे और क्या क्या टेक्निक है, तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज में लाया जाता है, मैं यहीं पे लिखता हूँ। अगला जो टॉपिक अपना है वो है MOET, MOET, ठीक है ना। पूरा नाम क्या है इसका, हम लोग इसका पूरा नाम याद रखेंगे, मल्टीपल मल्टीपल, ठीक है ना, ओवुलेशन ओवुलेशन एम्ब्रायो, ओके, ट्रांसफर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको लोग, टेक्नोलॉजी। भाई साहब ये क्या है, चलिए इसको समझते हैं, ये MOET या मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। बहुत ही काम का ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। देखो, तुमको ये चीज पता है कि हमारे अंदर में जो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है,
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है जो 28 दिन का होता है, थोड़ा बताना, 28 दिन का जो होता है। हाँ वेरी गुड बेटा ऑल्सो। तो इसमें 14वें दिन जो है ओवुलेशन होता है ना, 14वें दिन तुमको पता होगा कि क्या होता है, अंडाणु जो है या एग से वो बाहर निकलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। कोई बता सकता है क्या कि ये ओवुलेशन किस हार्मोन के कारण होता है? कोई भी जल्दी। वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड एफएसएस, वेरी गुड बेटा, गुड। हाँ एफएसएस के कारण होता है, तो हम लोग इसी एफएसएस का इस्तेमाल करने वाले हैं। वेरी गुड सबरीन, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। हम लोग गाय में, मान लो कि एक काऊ है, मुझे फिगर उतना अच्छा से बनाने नहीं आता, मैं बना रहा हूँ जैसे जैसे, है ना। मान लो ये जो है काऊ है, ठीक है ना, आपको जो ये काऊ है, ये काऊ बहुत पसंद आ गई, ठीक है ना, बहुत अच्छा दूध देती है, आपको इसी का बच्चा जो है वो बनाना है, ऐसा ही काऊ आपको पालना है, तो आप क्या करेंगे, एक इंजेक्शन इसको देंगे, ठीक है ना, और उस इंजेक्शन में आप भर देंगे एफएसएच। आपको पता ही एफएसएस का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना, तो एफएसएस क्या करेगा, ये बहुत सारा नंबर में क्या करने वाला है, फॉलिकल्स को मेच्योर कर देगा, बहुत सारे जो है ना फॉलिकल्स जो है, ठीक है ना, एफएसएस जो है वो फॉलिकल को निर्माण कर देगा, बहुत सारा फॉलिकल जो है उसका जो ओवरी है उस ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाएंगे। बनना चाहिए था 3-4 या 1-2 ना, बहुत मतलब बनेगा बहुत सारा ना, तो बहुत सारा जब यहाँ पे हमारा फॉलिकल बन जाएगा तो उससे फायदा क्या होने वाला है। अब जब हम लोग एफएसएस में डाल देंगे और एफएसएस के बाद जब इसमें अपने आप मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओस्ट्रल साइकिल, गाय में हालांकि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है, गाय में चलता है ओस्ट्रल साइकिल, ठीक है ना, तो जब ओस्ट्रल साइकिल चलेगा तो इसमें निकलना चाहिए था इसका ओवा कितना, इसका ओवा निकलना चाहिए था 1, ठीक है ना, या 2, लेकिन क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जो ओवा हुआ तो ओवा 1-2 नहीं, बल्कि यहाँ पे ओवा का जो संख्या है ना वो 6 से 8 हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम लोग देखे तो निकलना चाहिए था 1 ठो ओवा 2 ठो ओवा मैक्सिमम, लेकिन निकला यहाँ पे 6 से 8 ओवा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 to 8 ओवम यहाँ पे निकलेगा। तो भाई साहब बहुत सारा ओवम निकला ना, तो चूंकि बहुत सारा ओवम रिलीज हुआ है, ठीक है ना, बोल सकते हैं बहुत सारा ओवम निकला है, इसी कारण से इस घटना को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर ओवुलेशन, ठीक है ना, वेरी गुड बेटा, इसको हम लोग सुपर ओवुलेशन के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो कोई अगर अपने से पूछे कि सुपर ओवुलेशन क्या है, ठीक है ना, तो बोल सकते हैं कि सुपर ओवुलेशन, MOET का दूसरा नाम है सुपर ओवुलेशन, ठीक है ना, सुपर ओवुलेशन यहाँ पे टिक किया जाता है, मैं लिख देता हूँ क्या किया जाता है, सुपर ओवुलेशन किया जाता है, सुपर ओवुलेशन इज डन, ठीक है ना। किस हार्मोन को यूज करके, तो हम लोग बोल सकते हैं बाय यूजिंग, ध्यान देना, बाय यूजिंग एफएसएच, एफएसएच का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। कितना यहां से पे ओवा निकलता है, तो बोल सकते हैं 6 to 8 ओवम इज रिलीज्ड, ठीक है ना, एट ओवुलेशन, एट ओवुलेशन, चूंकि 6 से 8 ओवम हुआ निकलता है इसीलिए तो हम लोग सुपर ओवुलेशन बोलते हैं। तो अब क्या होगा, इस गैया में ये जो काऊ है उसमें 6 से 8 ओवम निकल गया, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, सीधे उस गाय में क्या करना है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर क्या करेगा, सीमेन लेगा और सीमेन को क्या करेगा, उसको यूट्रस में डाल देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, यहाँ पे जो डॉक्टर्स है वो आएंगे, ठीक है ना, और डॉक्टर आने के बाद क्या करेंगे, जो अच्छा गुण वाला जो सीमेन होगा उसके उसके अंदर में उसके यूट्रस में डाल देगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, ध्यान देना, जैसे ही इसमें इंसेमिनेशन होगा, क्योंकि मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है इसलिए इस इंसेमिनेशन को हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ना। एक मिनट बेटा, जस्ट होल्ड कर, कॉल आ रहा है, मैं बता दूं। ओके बेटा ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, सुपर ओवुलेशन जब हो जाएगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे ना,
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या, डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, सीमेन को वो डालेंगे यूट्रस के अंदर में ना, और जैसे ही यूट्रस के अंदर में हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ना, ना? तो अगला पॉइंट इसके बाद क्या होने वाला है, हम लोग बोल सकते हैं अगला इसके बाद जो होने वाला है उसको फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन होगा। अच्छा मुझे बताना, फर्टिलाइजेशन होगा तो कितना यहाँ पे जायगोट बनेगा, नंबर बताओ तो थोड़ा। वेरी गुड, नहीं जायगोट का संख्या बोल रहे बेटा, ऐसा जायगोट का संख्या, अरे भाई जायगोट का संख्या बोल रहा है, जितना एक होगा उतना ही जायगोट बनेगा ना, बुद्धू हो तुम लोग, बताओ 6 से 8 ओवम है तो 6 से 8 जायगोट बनेगा ना, समझे, तो यहां से पीक क्या होगा, यहाँ पे जितना एक है उतना जायगोट बनेगा, 6 to 8 जायगोट जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है ना, 6 से 8 जायगोट जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। तो MOET में हमने क्या किया, हमने क्या किया, सबसे पहले उस गाय को एपिसेस दिया जिस कारण से क्या हुआ, एक से ज्यादा मात्रा में, हाँ वेरी गुड अंशु, वेरी गुड, हमने क्या किया यहाँ पे एफेसिस डाला जिस कारण से 6 से 8 ओवा बना, ठीक है ना, वो 6 से 8 ओवा जो हमारा है जब बना है तो हमने क्या किया है, उसके बाद उसमें इंसेमिनेशन किया है, कैसा इंसेमिनेशन, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिस कारण से उस गाय में फर्टिलाइजेशन हुआ है, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि 6 से 8 जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो भाई क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लिखता हूँ, इस तरफ ध्यान देना, मैं इस तरफ यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरफ लिखता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए इधर लिखता हूँ। अब ये जो 6 से 8 हमारा यहाँ पे ओवम बन गया, अब तुम बताओ इस बेचारी गाय, पतली दुबली गाय है मां, तुम्हारे घर की देहाती गाय है, ठीक है ना, बेचारी के पास 2-3 बच्चा, एक बच्चा वो पैदा कर दे वही बहुत बड़ी बात है, 6-8 बच्चा कैसे वो पैदा करेगी, मर जाएगी ना। तो डॉक्टर अब क्या करने वाला है पता है, डॉक्टर जो है ना, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है वो नॉन सर्जिकल मेथड से क्या करेगा, अपना हाथ जो है या जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको उसके बच्चेदानी में लगाएगा, और बच्चेदानी में लगाने के बाद ये ओवम है उसको वहां से निकाल लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट स्टेप है, 6 to 8 जायगोट, और ये जायगोट किस स्टेज में स्टेज होगा, यहाँ ये जो 6 से 8 जायगोट है उसको क्या किया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है, कैसे, तो कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, नॉन सर्जिकली हाथ लगा करके निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना, नॉन सर्जिकली निकाला जाता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन सर्जिकली का मतलब बिना कोई सर्जरी का, बिना चीर फाड़ किए हुए निकालना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग हाँ सर्जिकल निकालता है, नहीं 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 बेटा अंशु, नॉन सर्जिकली निकालेंगे, गाय को परेशान थोड़ी करना है, हाँ उसको परेशान नहीं करना है, नॉन सर्जिकल होगा बेटा, ठीक है ना। तो नॉन सर्जिकल मेथड के जरिए क्या होता है, इसको निकाला जाता है, ठीक है ना। और जब नॉन सर्जिकली उसको तुम निकाल लोगे ना, तो देखना उसमें कितना सेल स्टेज होगा, तब तक जायगोट जो है ना वो डिवाइड कर चुका होता है, और जायगोट जो हमारा होता है ना, इस जायगोट इक्वल हम लोग बोलेंगे, तो जायगोट लगभग में कितना 8 से 32 सेल स्टेज का हो चुका होता है, वेरी गुड बेटा, इतना सेल स्टेज का हो चुका होता है, ठीक है ना। अब तुम क्या करोगे, हर एक जायगोट, जैसे तुम्हारे पास कितना जायगोट था, 6 से 8 बच्चा बन सकता था ना, अब ये जो 6 से 8 जो बच्चा है उसको क्या करेंगे, इसको रखा जाता है कहां पे, 6 से 8 जायगोट को केप्ट इन 6 to 8 डिफरेंट पाउच यूट्रस, उसको जो 6 से 8 अलग अलग गाय ले लेंगे हम लोग, देहाती गाय है, दूध कम देती है, बिना मतलब का पड़ी हुई है, तो पकड़ के लेंगे उसके यूट्रस में डाल देंगे ना। और इस तरीके से ये जो गाय है जिसके यूट्रस में डालेंगे वो गाय क्या होगी, ये 6 से 8 गाय जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी ना, और जब वो प्रेग्नेंट होने के बाद जो बच्चा वो देगी वो क्या होगा, वो हमारा हाइब्रिड बच्चा होगा। अच्छा कोई मुझे बताना, देखो हमने एक गाय लिया, उस गाय से हमने क्या किया, उससे हमने 6 से 8 ओवम निकाल दिया फर्टिलाइज करवा करके, 1 से 8 जो हमारा है जायगोट बन गया, निकाल लिया, और निकालने का हम लोग क्या किए हैं, 6 से 8 डिफरेंट गाय लेकर के जिस उसके अंदर में डाल दिए हैं, मतलब ये गाय कैसी है, ये गाय है भारे की माँ, ना इसका अपना ओवम है, ना इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, कुछ नहीं किया है, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई मुझे बताना, बताओगे इस गाय का क्या नाम है, वेरी गुड मरियम, क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे ऐसी गाय को जो भारे की माँ होती है उसको हम लोग बोलते हैं सरोगेट मदर, ठीक है ना। ये जो गाय होती है जो कि
मतलब कि इस बच्चा को पालती है अपने यूट्रस में, उसको हम लोग सरोगेट मदर के नाम से आते हैं या सरोगेट काऊ बोलेंगे, ठीक है ना, सरोगेट काऊ बोलेंगे, ठीक है ना, भाड़े की माँ इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा एक मूवी था तुम लोग कभी देखे होगे, सलमान खान, प्रीति जिंटा और एक और हीरोइन होती है, प्रीति जिंटा जो है वो भाड़ी की माँ बनती है, कौन सा मूवी है याद है तुमको, किसी को याद है क्या? सलमान खान होती है फिर, हाँ चुपके चुपके, बिल्कुल, भाड़ी की माँ प्रीति जिंटा, बाद में बोलती है नहीं मेरा बच्चा है, तो बाद में दोनों में झगड़ा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है पता नहीं, बच्चा किसका होता है वो पता नहीं, लेकिन उसके बाद हम आधा मूवी हम देखे हुए हैं, पूरा नहीं देखे हैं। शायद प्रीति जिंटा जो है वो बच्चे को ले ली थी शायद, हाँ प्रीति ले लेती है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे इस गाय के साथ भी यही हुआ है, गाय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अरे प्रीति जिंटा का बेबी थोड़ी रहता है, बेबी तो रहता है वो क्या बोलते हैं रानी मुखर्जी शायद है वो, और सलमान खान का होता है, ठीक है ना, वो तो उसकी वाइफ जो होती है उसको चोट लग गया होता है, सो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है ना, तो क्या किया जाता है उसकी वाइफ का एग और सलमान खान का जो स्पर्म है उसको लेकर के फर्टिलाइज करके और उसको डाला जाता है प्रीति जिंटा के यूट्रस में, इस कारण से प्रीति जिंटा प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो वो जो बच्चा होता है वो होना चाहिए था, अगर बात करेंगे तो एथिकली तो होना चाहिए था रानी मुखर्जी का, लेकिन चूंकि वो भाड़े की माँ होती है उसको लालच आ जाता है कि नहीं मेरा बच्चा है ना, तो बाद में वो फिर क्या होता है पता नहीं, हम आधा मूवी देख के छोड़े हुए हैं, कंप्लीट नहीं देखे थे, जो भी हो, तो यहाँ पे भी ये भाड़े की माँ है, अच्छा दे देती है तब तो ठीक है भाई, हाँ तो यहाँ पे ये जो वेरी गुड, तो ये जो भाड़े की माँ है ना उसको हम लोग सरोगेट मदर बोलेंगे, ठीक है ना, तो देख रहे हो किस तरीके से कंट्रोल्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, अपने मन का बच्चा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ना, हमको कोई गाय पसंद आ गई, उस गाय से हमने क्या किया सुपर ओवुलेशन करवा लिया ना, वहां से हमने क्या किया उससे बहुत सारा एग ले लिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसमें करवा दिए हैं हम लोग, उसमें जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, और जब जायगोट का फॉर्मेशन हो गया तो उसको फिर नॉन सर्जिकली उसको वहां से निकाल लिए, निकालने के बाद अलग अलग गाय को ले लिए उसके यूट्रस में डाल दिए, अब हर एक गाय प्रेग्नेंट हो गई है, अब क्या करेंगे आराम से वो जो प्रेग्नेंट गाय का हमारा डिजायर्ड बच्चा जो है उसको प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है ना, तो ये था हमारा, ठीक है ना, ये हमारा था कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल बेटा, सुपीरियर ही होगा ना, क्योंकि हम लोग सुपीरियर कैरेक्टर वाला एग ले रहे हैं तो सुपीरियर ही होगा, नो डाउट। तो ये मुझे बताओ कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम सबको क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी मुझे बताओ कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम क्लियर है कि नहीं, क्विकली मुझे यस और नो, ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं फिर से तुमको रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है पूछा जाएगा, मैं फिर से बताता हूँ, कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, अगर क्या किया जाए एफेसिस सॉरी अगर ऐसा किया जाए आर्टिफिशियली ह्यूमन के द्वारा सीमेन को कलेक्ट करके अगर फीमेल के यूट्रस में डाला जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियली, यहाँ पे बुल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बुल से सीमेन कलेक्ट करके इंसान अपने तरीके से सीमेन डालता है, ठीक है ना, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रॉयो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या है, अगर एफएसएस दिया जाए तो एक से ज्यादा ओवम रिलीज होगा ओवुलेशन के समय में, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ओवुलेशन या सुपर ओवुलेशन के नाम से डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है सुपर ओवुलेशन ना, एक से ज्यादा अगर ओवम निकले एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन तो सुपर ओवुलेशन बोलेंगे, ठीक है ना, एफएसएस का इस्तेमाल करते हैं 6 से 8 ओवम निकलता है, ठीक है ना, और अगर इसको ट्रांसफर किया जाए मतलब कि तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपर ओवुलेशन या मल्टीपल ओवुलेशन, हाँ मल्टीपल ओवुलेशन यहाँ पे हुआ, उसके बाद क्या कर रहा है एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर, क्या कर रहे हैं जब 6 से 8 एक बन गया तो सीमेन डालेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, 6 से 8 जायगोट बनेगा, 6 से 8 एम्ब्रायो बनेंगे बनेगा, ठीक है ना, और इस तरीके से इसको फिर क्या करना है सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देना है, इस इवेंट को बोलेंगे मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ओके। तो चलो बेटा इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको अपन सेव करते हैं, ठीक है ना, एंड नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो हम लोग ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस कर लिए, अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं, अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे पोल्ट्री फार्म, ठीक है ना, मुर्गी पालन जिसको हम लोग बोलते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, पोल्ट्री POULTRY। अच्छा तुमको क्या लगता है पोल्ट्री में केवल मुर्गी का पालन होता है, हाँ या ना, केवल बताना पोल्ट्री का मतलब क्या होता है, मुर्गी पालन केवल, जल्दी बताओ, नहीं बिल्कुल नहीं, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब मुर्गी पालन ही केवल नहीं होता है, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है जितनी भी डोमेस्टिकेटेड जितनी भी पालतू पक्षी होती हैं, ठीक है ना,
उस सबको मिलाकर के बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। हम लोगों को गलती से लगता है कि भाई साहब केवल मुर्गी का पालन है, नहीं, तुम कबूतर पालते हो वो भी पोल्ट्री फार्मिंग में आएगा, ठीक है ना। तो मान लो कबूतर के अलावा कोई और एनिमल मतलब कि चिड़िया पालते हो जो एक खाते हो, डक या जैसे मरियम बोल रही है गीज या टर्की, ठीक है ना। ये सब डोमेस्टिकेटेड फॉल होते हैं, जितने भी घरेलू जो पक्षियां होती हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग या तो मीट के लिए या तो उसका इस्तेमाल हम लोग अंडा के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हाँ कोई बात नहीं है बेटा, ध्यान दो। तो पोल्ट्री फार्मिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हमारा है ना डोमेस्टिकेशन ऑफ, ठीक है ना, बोल सकते हैं फॉल, ध्यान देना। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये है क्या, तो ये है डोमेस्टिकेशन, एक मिनट में ठीक कर लू। हाँ डोमेस्टिकेशन ऑफ क्या है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, FOWL। फाउल का मतलब क्या होता है, चिड़िया। कौन सी चिड़िया, जो अपने घर में हम लोग पालते हैं। अब चमगादड़ को, सॉरी गिद्ध को हम लोग चिड़िया नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग थोड़ी घर में पालते हैं, उसको फाउल नहीं बोलेंगे, सॉरी गिद्ध को हम लोग फाउल नहीं बोलेंगे और कौवा को हम लोग फाउल नहीं बोल देंगे, ठीक है ना। जिस चिड़िया को हम लोग घर में पालते हैं उसको फाउल बोलते हैं, ठीक है ना। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल किस काम के लिए, फॉर एग एंड, या तो उसका एग लेना है या तो उसका हम लोग बोल सकते हैं मीट लेना है, ठीक है ना। अगर किसी चिड़िया को हम लोग इसलिए पाले ताकि उससे हमें क्या मिले, उससे हमें मिले या तो एग या तो हमें मिले उससे मीट, तो हम लोग ऐसे डोमेस्टिकेशन को, ऐसे हम लोग पालन को, पशुपालन को हम लोग बोलेंगे तलत। क्या बोल रही है तू, नहीं वो सब नहीं पालेंगे हम, चलो ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। यहाँ पे एक फाउल वर्ड है, इसको ध्यान देना, ठीक है ना। ये फाउल वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, जनरली हम लोग को पता नहीं रहता, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या होगा, कौन कौन से हम लोग पाल सकते हैं, तो तलत तो चील भी पाल लेगी, ठीक है ना। अपन पालते हैं हेन को, ध्यान दो। हम लोग चिकन को बोलते हैं, ठीक है ना, चिकन को हम लोग पाल सकते हैं। उसके अलावा हम लोग डक जो है उसको पाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, डक हो गया, उसके अलावा टर्की। ये टर्की क्या होता है भाई, टर्की तो हम देखे भी नहीं है, होता हुआ कोई जानवर, अच्छा जो भी हो टर्की हो गया। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो टर्की के अलावा गीज, ठीक है ना। ये सब जो है ना, अच्छा छोटा होता है जो भी हो। तो ये सब जो एनिमल है अगर इस चिड़िया सबको पाला जाए, हाँ सिपू टर्की तो कंट्री है लेकिन टर्की किसी जानवर का भी नाम है, चिड़िया उड़े का नाम है, ठीक है ना। तो इस सब को भी हम लोग पाल सकते, ठीक है ना। तो भाई साहब इसको पालने के लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मुर्गी पालन के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो खाना पीना अच्छे से खिलाओ, साफ सुथरा रखो और क्या, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा जो है ना इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे किसका, तो सिलेक्शन ऑफ हम लोग बोल सकते हैं डिजीज फ्री सुटेबल ब्रीड, डिजीज फ्री सुटेबल ब्रीड, ऐसा ब्रीड लेंगे जो कि में जिसमें डिजीज नहीं हो, और पता चला उसमें स्वाइन फ्लू हो गया, सॉरी बर्ड फ्लू हो गया, बीमार चिड़िया है तो उसको खाने वाले को भी बीमारी हो सकती है ना ना। हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे जगह को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा प्रॉपर एंड सेफ हो ना, प्रॉपर हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर सेफ एंड, हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर सेफ एंड, हम लोग बोल सकते हैं अच्छा कंडीशन हो और क्या, हाइजीन कंडीशन, ठीक है ना, हाइजीन हो। मान लो तुम ऐसी जगह पे चिड़िया पाल रहे हो, मुर्गी पालन कर रहे हो, जहाँ पे बिल्ली आकर के टहलती रहती है, तो भाई साहब वो गड़बड़ है ना, बेचारी मुर्गी भाग जाएगी वहां से ना। तो हम लोग को अच्छी जगह को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। चिकन, अरे चिकन खाने वाला चिकन नहीं होता है बुद्धू, चिकन का मतलब हुआ जो हैन होती है ना, छोटी सी मुर्गी, चूजी जिसको बोलते हैं, चिकन का मतलब होता है चूजी, चूजा या चूजी जो बोलते हो। हाँ हाइजीनिक कंडीशन में उसको रखेंगे ना। उसके साथ साथ हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको हाइजीनिक कंडीशन में तो रखेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर खाना और पानी उसको देंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग इसके अलावा प्रॉपर फीडिंग करवाएंगे, ठीक है ना, और उसके साथ साथ पानी देंगे प्रॉपर पीने के लिए ताकि प्यासा ना रहे ना। ये सब काम जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तुमको पता है ये जो मुर्गी वगैरह होती है हमारे लिए
प्रोटीन का सबसे मेन सोर्स है इसका, जो पोल्ट्री जो होता है ना हमारे लिए, अगर बात करेंगे तो प्रोटीन का मेन सोर्स है, हम लोग बोल सकते हैं मेन सोर्स है हमारे लिए किस चीज का, तो बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए प्रोटीन का मेन सोर्स होता है। तुमको पता है ये अंडा, डॉक्टर बोलता है अंडा खाइए ना, तो अंडा में तो प्रोटीन अच्छा खासा मात्रा में होता है, हालांकि उसमें फैट भी होता है, योक भी होता है, लेकिन हम लोग बोले तो वो प्रोटीन का मेन सोर्स है ना, और हमारे लिए बेहतर है ये, ठीक है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमन के लिए ये प्रॉफिटेबल है। चलो आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तुमको पता है अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कुछ फेमस एग्जाम्पल का हम नाम बताते हैं। फेमस एग्जाम्पल में एक हमारा है एस्किल, ASEE, बड़ा ही बदमाश किस्म का मुर्गी होती है ये। इसका जो बच्चा होता है मुर्गा, पता है कॉक फाइटिंग में ये यूज किया जाता है। मुर्गा का लड़ाई तुम लोग कभी देखे हो, कॉक फाइटिंग क्या किया जाता है? कॉक फाइटिंग में इसके पंख पे ब्लेड बांध दिया जाता है और ये मुर्गा बहुत बदमाश होता है, तब तक लड़ेगा ये दोनों एक दूसरे से जब तक एक का मर्डर नहीं कर दे, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड। तो हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया, ब्रीडिंग कौन कौन सा है? सबसे पहले हमने डिस्कस किया इन ब्रीडिंग, ठीक है ना, इन ब्रीडिंग, ठीक है ना। ओके गुड। मैं इंस्टा पे जो है ना अपलोड करूंगा, तुम लोग देख लेना, डोंट वरी। ओके दूसरा जो हमारा है वो है आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग, ठीक है ना। और जो तीसरा है हम लोगों ने डिस्कस किया क्रॉस ब्रीडिंग, डिफिनेशन हम लोग को क्लियर है, ठीक है ना। मैं बाद में बता दूंगा, अभी क्लास कर लो, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके ध्यान दो, तो इन ब्रीडिंग जो है उसमें क्या होगा, इससे होता क्या है, ध्यान दो। ओके इन ब्रीडिंग से क्या होता है समझो, इससे क्या होता है, चूंकि रिलेशन में शादी हो रहा है, 4 से 6 जनरेशन कॉमन है, सेम ब्रीड में हो रहा है, इस कारण से ये क्या करता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है किस चीज को, होमोजाइगोसिटी को, होमोजाइगोसिटी को, ठीक है ना। होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या, एक एग्जांपल और मैं देता हूं बेहतर वाला, जैसे सिकल सेल एनीमिया का सब एग्जांपल जानते हो ना, हाँ जानते हो कि नहीं, सिकल सेल एनीमिया याद करो, सिकल सेल एनीमिया में हो जाता होता है क्या है, आरबीसी जो है टेढ़ा हो जाता है, जिस कारण से वो आदमी को तकलीफ होती है, जानते हो कि नहीं, यस या नो बोलो जल्दी हमें। ओके गुड, चलो ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आदमी को एनीमिया हो जाता है क्योंकि आरबीसी जो है टेढ़ा हो जाता है, किस कारण से वो होता है, तो तुमको पता है ना हमारे अंदर में जो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जीन है वो है हीमोग्लोबिन HbHb, ठीक है ना। अगर मान लीजिए, हाँ वेरी गुड, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, अगर HbHb हमारा दोनों जीन नॉर्मल हो तो हमारा कैसा बनेगा, आरबीसी ऐसा बनेगा, ठीक है ना। अगर HbS एक खराब भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा वाला है ना, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि उसमें दोनों खराब आ जाए तो क्या होने वाला है, उस आदमी का आरबीसी टेढ़ा हो जाता है और इस कारण से वो आदमी का आरबीसी खराब हो जाता है और वो मर ही जाता है ना। अगर अपने रिलेशन में शादी करें, ठीक है ना, मान लो कि गलती से HbS का शादी HB के साथ हो गया और बगल वाला जो है वो भी HbS HB है, तो क्या होगा, इससे जो बच्चे बनेंगे वो HbS वाले ज्यादा होंगे, हाँ वेरी गुड मरियम, HbS वाले ज्यादा होंगे, और ये ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम होगी, पता चलेगा बच्चा जो है उसमें ज्यादा बच्चा प्रॉब्लम वाला बन रहा है ना। तो इस तरीके से अगर सेल्फ शादी किया जाए तो वो बीमारी तो और ज्यादा निखर करेंगे आएगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए होमोजाइगोसिटी जो हमारा इंक्रीज करता है, जिस कारण से जेनेटिक डिसऑर्डर वाले बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं क्या होगा, यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर वाले बच्चे के चांसेस बढ़ जाते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चांसेस या ऑफ जेनेटिकली क्या डिजीज ऑफ स्प्रिंग जो है वो क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ज्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगी, ये हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो प्रॉब्लम है ही भाई, लेकिन इससे भी मजेदार तुमको प्रॉब्लम बताते हैं जो इससे भी खतरनाक है, पता है लगातार अगर कोई आदमी अपने रिलेशन में ही शादी करे, पड़ोसी के साथ या मतलब बाहर के अगर रिलेशन से शादी नहीं करे, तो 5-6 जनरेशन के बाद क्या होता है पता है, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, बच्चा पैदा करने की क्षमता उसकी कमजोर हो जाती है, जिसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन,
ठीक है ना। तो ये क्या कर देता है, अगर लगातार सेल्फ शादी किया जाए, अपने खानदान में शादी किया जाए, बाहर के वो मान लो बाहर वाले के साथ शादी ही नहीं करे, ठीक है ना, तो इंक्रीज क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कर देगा, ये डिप्रेस कर देगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, मैं डिफिनेशन बता रहा हूं, अगर अपने खानदान में शादी किया जाए और लगातार शादी किया जाएगा तो क्या होगा, उसमें जनन करने का या रिप्रोडक्शन करने का या बच्चा जन्म देने का क्षमता कम हो जाएगा, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। मैं इस डिप्रेशन को लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज क्या, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी क्यों, तो ड्यू टू कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग, अगर लगातार इनब्रीडिंग करवाया जाए, अपने खानदान में ही शादी करे, बाहर वाले से शादी ही ना करें, तो इसके कारण से क्या होगा, इनब्रीडिंग हो जाता है। अंशु पूछा ऐसा क्यों होता है सर, तो ये जेनेटिक्स की बात है बेटा, अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा होता है, अभी ये चीज ध्यान रखो, नहीं तो अपने टॉपिक से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई साहब ये प्रॉब्लम होती है, तो घबराने की चीज नहीं है, इससे भी निपटने का एक हमारे पास टेक्निक है। टेक्निक ये है कि तुमको जब लगे कि अरे हमारी फर्टिलिटी कम हो रही है, हमारे 3-4 जनरेशन के बाद हमारा खानदान जो है ना उसमें जनन करने की क्षमता कम हो रही है, तो तुमको क्या करना है, केवल एक बार किसी पड़ोसी के यहाँ शादी कर लेना, उसके बाद जो बच्चा बनेगा ना, फिर उसमें वो पोटेंशियल पोटेंशियल जो है वो गेन हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, एटलीस्ट ठीक है ना, वन आउटब्रीडिंग कर देंगे, पड़ोसी या बाहर वाले से शादी कर देंगे, ठीक है ना, अगर एटलीस्ट वन आउटब्रीडिंग हम लोग कर लेंगे ना, तो क्या होता है, वो हमारा ओवरकम कर सकता है किसको, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को, वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म कर सकता है, ठीक है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है उसको खत्म कर सकता है। तो असली बोल रहा है सर, क्लोज इनब्रीडिंग क्या होता है, क्लोज इनब्रीडिंग का मतलब वही 4 से 6 जनरेशन के अंदर में, अब फूफी की बेटी है, खाला है, ऐसे करके क्या पता नहीं, हमको वर्ड भी उतना नहीं आता है, अगर उन लोगों से शादी करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है ना, बहुत क्लोज अगर वो उनके साथ शादी करे तो वो क्लोज इनब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके से इनब्रीडिंग जो हमारा है ना, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, एक सोसाइटी के लिए तो फायदेमंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हाँ, लेकिन एक इसका महत्व अपना है, महत्व क्या है, चूंकि ये होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है, इस कारण से शुद्ध बच्चे पैदा होंगे, या तो शुद्ध बीमार होंगे या तो शुद्ध अच्छे होंगे ना, तो ये क्या करता है, चूंकि होमोजाइगोसिटी डेवलप हो रहा है, इस कारण से ये हमारा हेल्प करेगा, ठीक है ना, किसमें, तो हम बोल सकते हैं हेल्थ इन डेवलपिंग, बताओ कोई, हेल्प इन डेवलपिंग क्या, मैं यहीं पे साइड करके लिखता हूं, प्योर लाइन, ठीक है ना, ये प्योर लाइन डेवलप करने में मदद करता है हमारा, मतलब शुद्ध बच्चे को पैदा करने में मदद करता है, 4 में से 3 बीमार होगा, लेकिन एक जो हमारा अच्छा वाला होगा ना, वो शुद्ध अच्छा वाला होगा, उसमें मिलावट नहीं होगी ना, तो इसका इस्तेमाल जो है ना शुद्ध बच्चे को बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये शुद्ध बच्चा हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, किसी आदमी का 4 बच्चा हुआ, 3 ठो लुल्ला लंगड़ा पैदा हुआ, एक केवल अच्छा है, वो खूब अच्छा है, तो क्या फायदा इससे, एक अच्छा है, 3 बच्चे तो बीमार हो गया ना ना, तो इसका ही सामान हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमल ब्रीडिंग में कर सकते हैं, क्योंकि गाय भैंस बैकरी से हम तो हमको कोई लेना देना है नहीं, उसमें तो शुद्ध बच्चे को प्राप्त करना है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इन ब्रीडिंग करवा सकते हैं ना, ठीक है ना, उसको हम लोग इन ब्रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से इन ब्रीडिंग जो हमारा है, ये प्योर लाइन को डेवलप करने में मदद करता है, क्योंकि इन ब्रीडिंग से क्या डेवलप होता है, इन ब्रीडिंग से हमारा डेवलप होता है होमोजाइगोसिटी, ठीक है ना, तो ये हमारा प्योर लाइन डेवलप करने में मदद करता है, लेकिन एज अ सोसाइटी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। मेरा जुल क्या प्रॉब्लम हुआ बेटा, बताओ इसमें क्या बताया, कमेंट करके मुझे बताओ, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है ना, तो ये हमारा इन ब्रीडिंग है, ठीक है ना, हाँ, इन ब्रीडिंग में 2 प्रॉब्लम हुआ, एक तो होमोजाइगोसिटी क्रिएट कर रहा है, दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, मतलब लगातार अगर 4-6 जनरेशन अगर अपने रिलेशन में शादी किया जाए तो उसमें जनन करने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, उसको रिस्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, हड़बड़ाना नहीं है, करना क्या है कि 4-5 जनरेशन के बाद अब अपने खानदान में शादी हो गया तो पड़ोसी के खानदान से शादी कर, ठीक है ना, अगर एटलीस्ट वन आउटब्रीडिंग करवा देंगे तो क्या होगा, ओवरकम कर देगा वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को, फिर से उसमें जनन करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है ना, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, हम आउट ब्रीडिंग के बारे में तो पता ही है, क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में आपको पता ही है, सबसे बेहतर यहाँ पे क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक
ठीक है ना, दो अलग अलग नस्ल को ले लीजिए, उसके बीच में ब्रीडिंग करवाइए, तो ये सबसे बेहतर, ठीक है ना। इसमें हेटरोजाइगस कंडीशन बहुत ज्यादा बनता है, दो अलग अलग नस्ल के जीन आएंगे तो और अच्छे अच्छे मतलब जीन मिलेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे, तो जो बच्चे हैं उनसे वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो क्रॉस ब्रीडिंग जो है ना, कि हम लोग हो सकते हैं बेस्ट है फॉर सोसाइटी, ठीक है ना। तो आप लोग भी बेटा शादी उदी करना तो दूर के रिलेशन से शादी करना, ठीक है ना, या चले आना नेपाल, चले आना चाइना, वहां से शादी कर लेना। अगर वो बच्चे बनेंगे तो उस बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड बच्चा, बहुत होशियार होगा वो। यही कारण है ना कि पहले के राजा महाराजा, राजा महाराजा था, क्या करता था वो, अपने खानदान में शादी नहीं करता था, दूसरे खानदान में या दूसरे राजा के यहाँ शादी करता था, बहुत दूर शादी शादी करता था। इसी कारण से तो उनके बच्चे उतने अच्छे होते थे, इंटेलिजेंट होते थे। हम लोग ठहरे एकदम बेवकूफ, निपट जाहिल, तो हम लोग को तो है क्या कि कोई बता दिया तो जहां बोला वहीं पे शादी कर लिए ना। अच्छा तो सिर्फ चल ठीक है, तो ये हमारा है इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है ना। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, होमोजाइगोसिटी क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, ये चीजें क्लियर है कि नहीं बेटा, ये पहले मुझे बता। अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी मुझे बता। हाँ सर क्लियर है या नहीं सर क्लियर नहीं है, दोनों में से कोई एक। ओके विराजुल, वेरी गुड। ओके बेटा बाद बाकी जल्दी बताओ ऐसा। ओके गुड गुड बेटा, चलो ठीक है। आउट क्रॉसिंग एक बार सिपू, आउट क्रॉसिंग में क्या है, सेम ब्रीड है, खानदान वही है, नस्ल वही है, केवल 4 से 6 जनरेशन बाद जो है ना कॉमन मिल रहा है। मतलब कि अभी से 4 जनरेशन तक तो उसका मम्मी पापा चाची नाना जो भी है कोई कॉमन नहीं था, 4 जनरेशन 4 खानदान पहले कॉमन था, तो उसको हम लोग बोलेंगे आउट क्रॉसिंग, ठीक है ना। एक ही ब्रीड है लेकिन, चलो ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हमारा इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग कंप्लीट। अब चलो इससे आगे हम लोग थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देना हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैं फिर से लिखता हूं। हमने डिस्कस किया इन ब्रीडिंग, जिसमें ब्रीड सेम है, 4 से 6 जनरेशन कॉमन हमारा है। फिर हमने डिस्कस किया आउट क्रॉसिंग, जिसमें हमारा ब्रीड सेम है, 4 से 6 जनरेशन कॉमन नहीं है, उससे पहले कॉमन था, बहुत पहले कॉमन है। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्रॉस ब्रीडिंग, जिसमें क्या है, दो ब्रीड ही अलग अलग है तो कॉमन होने की बात ही नहीं है। अब इसके अलावा भी कुछ और है, एक एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे बता रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर नहीं, तौसीफ नहीं, स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है, ठीक है ना, ध्यान देना। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ओके ध्यान देना, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है समझना। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले शब्द पे ध्यान दो, अपने आप ये क्लियर हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इंटर मतलब होता है बीच में, दो स्पीसीज के बीच में, इंटर मतलब होता है बिटवीन, वर्ड पे ध्यान दो। अगर हो क्या, इंटर हो, बिटवीन हो, किसके, दो स्पीसीज के बीच में, मतलब यहाँ पे नस्ल की बात छोड़ दो, दो स्पीसीज ही अलग हो गया है, ठीक है ना। बिटवीन क्या हो, स्पीसीज, दो अलग अलग अगर स्पीसीज के बीच में अगर रिप्रोडक्शन हो ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो बोल सकते हैं ये क्या है हमारा, मेटिंग बिटवीन क्या, टू डिफरेंट स्पीसीज। देखो ये तो कभी जनरली पॉसिबल होता नहीं है। अब तो मान लो तुम बात करो आदमी को बंदर के साथ रिप्रोडक्शन करवा देने का, तो भाई बंदर अलग है, अलग जाति है, अलग स्पीसीज है, आदमी अलग स्पीसीज है, तो जनरली संभावना ही नहीं है कि उसमें उससे बच्चा जन्म ले। अब गाय को और भैंस को उसके बीच में क्रॉस करवा दें तो संभावना ही नहीं है कि बच्चा पैदा हो, ठीक है ना, जनरली संभावना नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जनरली क्या होता है, नॉट पॉसिबल है, समझना मेरी बात, जनरली ये पॉसिबल नहीं है, कुत्ता को बिल्ली के साथ क्रॉस करवा दे पॉसिबल ही नहीं है, दोनों अलग अलग जाती है ना। लेकिन अगर पॉसिबल हो, ठीक है ना, अगर पॉसिबल हुआ तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होता है, उसका जो बच्चा जो होगा ना, जो जन्म लिया, वो क्या होगा, उसमें जनन की क्षमता नहीं होती है, या वो स्टराइल होता है, नपुंसक होता है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है वो दोबारा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हुआ तो उसका जो बच्चा है वो जनन की क्षमता नहीं होती है, ठीक है ना। अभी हमने इसे डिस्कस किया था एग्जाम्पल ना, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना म्यूल ना, और अभी हमने डिस्कस किया था हिमनी, याद करो, जस्ट वहीं से तो स्टार्ट किए थे,
ना? हाँ अंशु बोला लाइगोर टाइगोन, बिल्कुल बेटा, लेकिन म्यूल और हिंदी यहाँ पे हम याद रखेंगे। म्यूल में क्या है, पापा उसका गधा, ठीक है ना, और मम्मी उसकी जो है वो घोड़ी है, ठीक है ना। उल्टा कर देंगे तो हिंदी हो जाएगी, उसका पापा जो है वो घोड़ा है, ठीक है ना, और मम्मी उसकी जो है वो गधी है, ठीक है ना, डंकी है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है बच्चा तो बन गया, खच्चर बन गया और हिंदी बन गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जनन की क्षमता, रिप्रोडक्शन की क्षमता, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी इसमें नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी जो होनी चाहिए वो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी इसमें अभी नहीं आया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। ये अपने उतने काम का नहीं है, खच्चर एक काम का आ गया है वो अलग बात है, बट ये अपने काम का नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही अब ये बच्चा यहाँ पे चर्चा कर रहा है तो कर लेते हैं हम लोग। अंशु बोला सर टाइगोन लाइगर, देखो तो देखो शेर को टाइगर, देख वर्ड पे ध्यान दो टाइगोन, और दूसरा वर्ड है लाइगर, ये भी इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। कैसे इसको तुम याद रखोगे, तो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। पहले जो होगा वो उसका पापा होगा, टाई टाई मतलब टाइगर, लाई लाई मतलब लायन, सब पे ध्यान दो, लाई मतलब लायन, ठीक है ना। उसका जो पापा होगा वो टाइगर होगा, पापा जो है वो टाइगर है, और लायन लाय ओ एन लाया है लायन से, उसकी जो मम्मी है ठीक है ना वो लायन है, ठीक है ना। तो वो जो बच्चा बना वो टाइगोन बनेगा, ठीक है ना। लाइगर होता है, लाइनर नहीं होता बेटा, लाइगर होता है, ठीक है ना। ओ सॉरी गलती से लिखा गया, वेरी गुड बेटा, लाइनर नहीं लाइगर, GER लाइगर, ठीक है ना। तो ये लाई का मतलब क्या हो गया, लायन, उसका पापा जो है वो लायन है, और उस बच्चे की मम्मी जो है वो उसकी, ठीक है ना, वो टाइगर होगी, टिग्रिस बोलते हैं, टिग्रिस बोलना ज्यादा सही है, टाइगर होगी, ठीक है ना। तो ये जो बच्चा है टाइगोन और लाइगर, ये क्या हुआ है, शेर और बाघ की क्रॉसिंग से बनाया गया है। पापा टाइगर तो टाइगोन बोलेंगे, और मम्मी अगर उसकी लायन है, सॉरी पापा अगर लायन है उसका, तो उसको हम लोग लाइगर बोलेंगे। और खास बात वही, चूंकि ये हमारा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बना है, तो बच्चे तो उसका स्टाइल होगा ही होगा, बच्चा तो निपुंसक होगा। ये टाइगोन और लाइगर जो है वो फिर से बच्चा जन्म नहीं दे सकता है, ये इसका खासियत होता है, ठीक है ना। चूंकि ये हमारा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के जरिए बना है ये दोनों बच्चा, इस कारण से इसमें नया बच्चा प्रोड्यूस करने का या जनन करने का क्षमता नहीं होता है, ठीक है ना। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया क्या, समझे जल्दी बताओ, क्लियर है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, हाँ या ना। ओके बेटा गुड, ठीक है ना। तो आज हमने ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस किया इन ब्रीडिंग क्या होता है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, ठीक है ना। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो क्वेश्चन पूछो, और अगर प्रॉब्लम नहीं तो नो सर लिखो, अगर प्रॉब्लम नहीं तो सिंपली नो बोलो, मैं समझ जाऊंगा प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर, ओके वेरी गुड एनीबडी, ओके मरियम वेरी गुड, नाहिदा वेरी गुड बेटा, ओके बेटा वेरी गुड, ओके चलो ठीक है। तो चलो आज हम लोग क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सर टाइगोन और लाइगर के यूजेज, बेटा टाइगर का यूज कौन होता है, किसका हिम्मत है कि टाइगर से वो काम करवा दे या लायन से यूज करवा दे, जब उसके मम्मी पापा से काम नहीं करवा पाए तो उसके बच्चा से करवा पाएंगे, संभव ही नहीं है। मतलब इंसानों का फितरत है बनाने का, कुछ बनाते रहता है और क्या, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आज अपन यहीं पे क्लास एंड करते हैं, ओके।